सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस, ये कोई लंबा सा व्लॉग नहीं होने वाला, ये एकदम छोटू सा व्लॉग है। और इसमें बस यही कहना था मुझे कि मैं अपने रीज़न ये था कि बताना चाहती थी मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ। बहुत लोगों ने मेरे को पूछा कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, बहुत टाइम से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे। तो हाँ, बहुत टाइम से नहीं आ रहे क्योंकि कुछ घर पे गई थी, प्रॉब्लम्स हो गए थे। वहाँ जाने के बाद मैंने सोचा था कि अभी मैं जब ट्रैवलिंग करूँगी, जब मैं वहाँ से फिर बैंगलोर शिफ्ट हो रही थी, तो मैंने सोचा था कि मैं करूँगी। फिर मैं आई भी, पर क्या हो गया, जर्नी टाइम ट्रेन की स्ट्राइक शुरू हो गई और वहाँ पे मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई। फर्स्ट डे वहाँ पे जिस ट्रेन में मैं बैठी थी, मेरा उस दिन फ्लाइट था, पर क्या हो गया, ट्रेन रुकने की वजह से ना तो मैं फ़्लाइट पकड़ पाई, ना मैं वीडियोज़ मैंने बनाए और कुछ नहीं हो पाया, तो उस दिन भी नहीं हुआ। फिर मैंने सेकेंड डे मैं वहीं पर रुकी और फिर सेकेंड डे मैंने सोचा, फिर मैं गई स्टेशन, फिर नहीं चला, फिर स्ट्राइक ज़्यादा बढ़ गया, फिर उस दिन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद थर्ड डे मैं गई, तब मैंने, मेरा एक तो फ्लाइट छूट ही गया उस दिन का, फिर उसके थर्ड डे था, तब मैं वहाँ से दूसरे जगह से मैंने फ़्लाइट ली और दूसरा रूट होके तब मैं यहाँ तक आई हूँ। इन सब के चक्कर में मैंने वहाँ वाला भी ब्लॉग नहीं बनाया। ट्रैवलिंग इतनी हो गई थी, इतना कि जैसे ही मैं आई उस दिन तो ट्रैफिक वगैरह इतना था, आते आते इतना सर दुखने लगा कि मैं सेकेंड डे बनाने वाली थी। जो मेरा रूम शिफ्टिंग था, आप देख रहे होंगे कि मेरा पूरा बैकग्राउंड, मेरा रूम चेंज हो चुका है। तो वहाँ मैंने सोचा था कि रूम शिफ्टिंग का बनाऊंगी, पर वो भी नहीं हो पाया। थक गई थी बहुत ज़्यादा और जो भी टाइम मिला तो उसमें जल्दी 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 साफ़ करके क्लीन, क्योंकि गंदा रहना तो अच्छा नहीं रहता, तो मैंने जल्दी जल्दी साफ़ कर लिया। उतना भी नहीं हुआ, अभी साफ़ सफाई कर लिया है, अच्छे से शिफ्टिंग नहीं हो पाई है। मेरी स्टूडियो भी अभी तक रेडी नहीं है जहाँ पे मैं शूट करूँगी। कन्फ्यूज हूँ क्योंकि दो तीन जगह रखा है मैंने, एक तो ये बैकग्राउंड ये वाला रखा है, यहाँ पे शूट करूँ, एक रूम है, एक हॉल है, तो अभी तक कन्फ्यूज़ हूँ कि किस में मैं करने वाली हूँ अपना वीडियो शूट। और इन्हीं सब के वजह से मैंने वीडियो अभी तक शूट नहीं किया है और देखती हूँ कि जहाँ हो सके तो मैं वीडियो शूट करूँगी और बाद में एक मैं होम टूर का वीडियो एक अपलोड करूँगी, जब मेरा मैंने सब एकदम क्लीन कर लिया होगा तब। अभी तो ऐसे बिखरा पड़ा है और जो सामान मैंने वहाँ से पोस्ट किया था पोस्ट ऑफिस के थ्रू, क्योंकि उतना सामान मैं नहीं ला सकती थी, तो जो मैंने पोस्ट कर दिया था वो भी आ चुका है और आज ही हम लेके आए हैं। तो कल ही आ गया था, कल फ़ोन कर दिया था उन लोगों ने, तो लेकिन आज लेके आए हैं, फ्री नहीं थे। तो अभी भी वो ऐसा पड़ा है, उसमें रिंग लाइट मैंने रख दिया था, आई शेडो पहले रख दिया था कुछ कपड़े डाल के, और तब मैंने इसे भेज दिया था क्योंकि रिंग लाइट वगैरह जो है वो मेरे बैग में नहीं आ रही थी, साइज इतना बड़ा नहीं था मेरे बैग का, तो इसी के अंदर मैंने डाल के और पोस्ट कर दिया था। दो रिंग लाइट थी, साड़ी सी में डाल दी थी, ट्राईपोड एक यही था, ट्राईपोड नहीं मंगाया मैंने, देखती हूँ कैसे एडजस्ट करती हूँ। छोटा वाला ट्राईपोड तो अभी भी मुझे चाहिए क्योंकि जब से गई हूँ तब से सब चीज़ इधर उधर हो गया है, अब क्या सामान नहीं है क्या नहीं उसको देखना पड़ेगा पहले। तो एक तो यहाँ पे अभी तक वाईफाई सेट नहीं हुआ है क्योंकि उस घर से हम लोगों ने अभी तक वाईफाई यहाँ पे नहीं लिया है, दूसरा लगवाना पड़ेगा उसे बंद करवा के, तो वो सारी चीज़ें अभी बाकी है और बस थोड़ा थोड़ा ही मैंने सेट कर लिया है अंदर, बाकी जो पैक था उसको पैक ही रखा है थोड़ा बहुत। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ही किया है और कैसे बिखरा पड़ा है मेरा घर, तो चलिए। तो गाइस देख लो, अभी इधर पड़ा हुआ है जितना है और मैंने ऐसे ही रख दिया था, ड्रॉअर में थोड़े थोड़े सामान रखे हैं और इसके अंदर भी रखा है। हाँ, इसके ऊपर मैंने अभी डाला है और अच्छे से नहीं निकाला था सामान, बस इसके अंदर ही डाला फाउंडेशन वगैरह, जो जो हाथ आते गया उसको मैं बस रखते गई थी और मैंने सबको एक सेक्शन वाइज कर दिया है। इसमें अभी मैंने निकाला नहीं है सामान सारा, तो इसमें हेयर केयर के प्रोडक्ट और स्किन केयर के प्रोडक्ट रहेंगे, इसमें मेरे मेकअप प्रोडक्ट एंड परफ्यूम, और इसमें ज्वेलरी, और नीचे अभी इधर बिखरा हुआ है, पता नहीं क्या करने वाली हूँ मैं इसमें, तो अभी मैंने सारा इसी में रख दिया है, एंड लिपस्टिक वगैरह सब इसी में पैक है, और इसके अंदर अभी वाइपर्स मैंने इसी में सब इसी में रखा है। इन तीनों का सेक्शन बस मैंने सेट करा है। तो अभी इसके अंदर भी मैं नीचे दिखाती हूँ कि मैंने नीचे क्या रखा है। तो ये रहा हमारा ड्रॉअर जिसमें मैंने हेयर बैंड्स रखे, क्लिप्स रखे हैं, उसके बाद मैंने ये थोड़े से मास्क लिए थे जो मैं गई थी अभी, तो मैंने न्यू मास्क ख़रीदा है, इसे मैं ट्राई करूँगी पता नहीं कब। और इसमें मेरा पहले से
सब परा हुआ है, कुछ नहीं किया था मैंने सेट इन सब का। और इसके अंदर अभी जो मैंने नहीं निकाला वो सारी चीज़ें हैं, लिपस्टिक है, बहुत सारी लिपस्टिक है, पता नहीं कहाँ रखा है मैंने लिपस्टिक, इस बार लिपस्टिक बहुत ज़्यादा है। तो अभी इधर इधर ही है, मैंने सेट कर रखा है इसमें अपना कपड़ा, तो पूरा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा ही किया है इसके अंदर। इसमें सारा जो ड्रेसअप था वो वन पीस वगैरह इसमें मैंने रखा है, तो फुल अभी नहीं किया है, बाकी करना है मुझे। और बाहर वैसे ही पड़ा हुआ है तो यही देख सकते हो। अभी मैंने रिंग लाइट जो वगैरह मंगाई थी वो इसी पे रखी हुई है, एक रिंग लाइट तो मंगा लिया है मैंने, और पता नहीं अभी इसका हाल क्या हुआ है, ठीक से निकालना भी है, निकाला नहीं है मैंने। और ये वो इधर पड़ा हुआ है सारा सारा चीज़, सोफ़ा भी ठीक नहीं किया मैंने, बस माता रानी का कर दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने माता रानी का पूरा सेट कर दिया, इनके जो बॉक्सेस है उसमें मैंने उनका सामान रखा है, और ये वाला मैंने टेबल अपना सेट किया है। बस सेट करके अभी मैंने फाइनली अभी यहाँ पे रखा हुआ है, बस ऊपर जो वगैरह ट्रॉफीज़ है वो सारी रखी है, और ये तो इधर ऐसे ही पड़ा हुआ है। किचन वगैरह थोड़ा सेट किया है, उतना नहीं भी किया है, तो ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है मेरा पूरा रूम। तो गाइस ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है सारा का सारा, आप देख सकते हो, कुछ भी मैंने सही नहीं किया, टू मच पिंपल है ना, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। और पहले थोड़ा सा देखते हैं, अभी थोड़ा सा ग्रीन टी बनाते हैं, पीते हैं, गला फंसा हुआ है। तो गाइस अभी पियेंगे थोड़ा सा ग्रीन टी, मैं नींबू लाना भूल चुकी हूँ क्योंकि नींबू के साथ बहुत अच्छा लगता है पीना। और हनी कहाँ रख दिया मैंने, तो ये रहा हनी। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लौंग, एक या दो लौंग, दो ग्रीन टी में मैं लौंग जरूर डालती हूँ, नींबू डालती हूँ और हनी। तो भी खाने दिया, ये रही हमारी ग्रीन टी। ग्रीन टी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है इसलिए। तो गाइस किचन में मैंने थोड़ा थोड़ा करा है, और जो मतलब बर्तन मेरे काम के नहीं थे मैंने सारे ऊपर रख दिए हैं, और बस अभी दोनों काम चल रहा है, दोनों कर रही हूँ, अभी रूम भी शिफ्ट कर रही हूँ और कुछ बाहर का काम है, जो स्टूडियो का काम है, मैंने मेकअप का स्टूडियो कुछ प्लान किया है तो वो भी करना है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है तो वो बस हो जाए। तो अब इसमें डालेंगे हनी, मैं दूसरा हनी डाल रही हूँ, वो वाला स्पून नहीं मिल रहा था ना। इसके साथ डालेंगे ग्रीन टी, और फिर अब ये गर्म हो चुका है। थोड़ा मिक्स कर देंगे, इससे हनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाता है। पता नहीं यहाँ का मौसम पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कुछ टाइम से यहाँ बारिश शुरू हो गई है और बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, कम से कम डेली तो हो ही जाता है आजकल।
और बस हो गया। तो अभी पियेंगे ग्रीन टी, गरम गरम ग्रीन टी। तो पहले भी मैं सेट कर देती हूँ उसको। तो गाइस अभी देख लो गरम गरम एकदम पी लेते हैं, सर्दी भी हो गई है, शायद इससे थोड़ा बहुत आराम हो जाए और बस सर्दी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, फेस के पिंपल्स ठीक हो जाए और फिर वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक ही वीडियो नहीं स्टार्ट हो रही है जब तक मेरे फेस पे पिंपल है, क्योंकि अभी कोई भी प्रोडक्ट डालना तो सही नहीं होगा और स्किन केयर भी मुझे करना होगा। तो पहले स्किन केयर करूँगी, थोड़े बेटर हो जाएंगे, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करूँगी और तब तक मैं अपना स्टूडियो भी ठीक कर लूँगी तो जहाँ पर हो सके। अभी तो एक दोनों मैंने हॉल, अभी जो हॉल गई थी वहाँ एक रूम यहाँ है और यहाँ, तीनों में से देखती हूँ कौन सा हो सके, उसके बाद मैं वीडियो अपना स्टार्ट करूँगी क्योंकि वो करना भी ज़रूरी है। बहुत टाइम से सोच रही थी कब करूँ कब करूँ, पर नहीं कर पा रही। जैसे हो जाएगा मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, इसीलिए अभी थोड़े से बहुत टाइम से नहीं हो पाया तो ना मैंने शूट किया और वाईफाई भी नहीं है उसकी वजह से भी मैंने शूट नहीं किया है। आ जाए जैसे ही वैसे मैं स्टार्ट कर दूँगी अपना। अच्छी बनी है तो अभी हम पीते हैं अपना चाय और उसके बाद बस इतना ही कहना था कि जल्द से जैसे मैं ठीक हो जाती हूँ बस वीडियो स्टार्ट कर दूँगी और बस हो जाए। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।